हमारे साथ इस वक्त जुबिन नोटियाल जो कि गायक है वो जुड़े हैं, यहाँ पे वो परफॉर्म करने वाले हैं। जुबिन ये बताइए क्या परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, कौन सा गाना आज आप परफॉर्म कर रहे हैं? जो गाना हम आज परफॉर्म करने वाले हैं ये गाना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, ये आज ही रिलीज़ होगा। आज पहली बार लोगों के सामने ये गाना गाया जाएगा और काफ़ी दिल से और मेहनत से इस गाने को बनाया हमने। इस गाने के कंपोज़र हैं शाश्वत सचदेव और मेरे साथ गा रहे हैं रोमी। तो अच्छा माहौल है यहाँ पर, गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ और आज वो दोनों साथ में यहाँ पर मिल रहे हैं तो अच्छा लगेगा। गांधी आश्रम आपने देखा, कैसा लगा? क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, उस विचार को आज के वक्त में किस तरीके से देखिए, गांधी जी के जो सिद्धांत रहे हैं वो हम लोग को हर वक्त डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आते हैं और एक इंसान के अंदर बहुत डेप्थ चाहिए उन सिद्धांतों को समझने के लिए। ये वो जगह है जहाँ से उन सिद्धांतों की शुरुआत हुई थी। तो अभी खैर आश्रम घूमने का मौका नहीं मिला लेकिन एक दिन रुक रहा हूँ तो उसके बाद आश्रम पूरा घूम करके साक्षात दर्शन करना चाहूँगा। गांधी जी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि गांधी जी का विचार और आज के विचार बहुत परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में गांधी जी कितने महत्वपूर्ण साबित होंगी आज की युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, गांधी जी के जितने भी सिद्धांत रहे हैं वो आज के युवाओं के सिद्धांतों से बहुत अलग नहीं है, सिर्फ एक एज का डिफरेंस है। जब युवा अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उनको ज़रूर समझ में आएगा कि गांधी जी के सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी और बहुत ज़्यादा उसमें मीनिंग था। और मैं खुद भी काफ़ी हद तक जितना हो सके गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ और वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। जुबिन, गांधी जी का वैष्णव भजन हमारे लिए गुनगुना देंगे? जी, गांधी जी का वैष्णव भजन हमारे लिए गुनगुना देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा सारी। बिल्कुल स्टेज पे सुनने के लिए कह रहे हैं जुबिन नोटियाल जो कि यहाँ पहुँचे, उनका एक परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पे।